आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों के संग डिस्कस करने जा रही हूँ एक से नौ तक के नंबर्स, 1 to 9 नंबर्स। इन न्यूमरोलॉजी में हम इसे स्टडी करते हैं। अगर कोई भी नंबर हमारे डेट ऑफ बर्थ में नहीं आ रहा, मिस है या एक्सेस में है, सपोज फॉर एग्जाम्पल आई एम बॉर्न ऑन 11 January 1971, तो यू विल सी मेरे डेट ऑफ बर्थ में 111 कितनी बार रिपीट हो गया, यानी कि 5 times 1 आ गया है, विच मीन्स कि 1 मेरे पास एक्सेस में आ गया है। तो कोई भी नंबर या तो मेरे पास एक्सेस में हो या मेरे पास ना हो, मिसिंग हो या एक्सेस में हो, तो हम उसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, उसका फायदा कैसे ले सकते हैं, उसकी एनर्जीज हम कैसे अब्सॉर्ब कर सकते हैं, इसी को डिस्कस करूंगी। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज निधि चुग हियर। आई एम इनटू वास्तु, ग्राफोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड साइंटिफिक लोगो डिजाइनिंग। ओके, कमिंग बैक टू माय टॉपिक फॉर टुडे, हमें सक्सेस सबको चाहिए। वी आर लुकिंग फॉर सक्सेस, नेम, फेम, राइट? नाउ टेक अ पेन एंड पेपर एंड स्टार्ट नोटिंग डाउन। नंबर वन जो है, हम सबको पता है कौन सी डायरेक्शन है वास्तु में, इसकी नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है। एलिमेंट है इसका वाटर। वन नंबर अगर किसी के पास सपोज है, 1 time है 2 time है, तो विच इज वेरी गुड। आप अच्छे प्लानर होंगे, आप इंडिपेंडेंट होंगे, आप अपनी चीजें अपने तरीके से करना पसंद करते होंगे। बट इन दिस केस, अगर सपोज 1 मेरे पास है ही नहीं, मेरे डेट ऑफ बर्थ में 1 ही नहीं आता, आई एम 2000 बॉर्न, तो दोज पीपल हु आर बॉर्न इन द 19th century, 1980, 1970, 1950, उनके पास 1 or 9 बाई डिफॉल्ट आ जा रहा था, राइट? लेकिन वो 1 or 9 जैसे ही आपके संग आ जाता है, वो एक्चुअली आपको बैलेंस कर जाता है, क्योंकि एक बार 1 आया और एक बार 9 आया, तो वो आपको बैलेंस कर गया, ना आपको उसका फायदा होगा ना आपको उसका नुकसान होगा। लेकिन यस, अगर वो 1 मेरे पास 2 times आ गया, तो वो मुझे फायदा देके जाएगा। इन वॉट सेंस फायदा, जब मैं कह रही हूं तो वो मुझे फायदा देने किस वाला है, वो मुझे लीडर बनाएगा, इंडिपेंडेंट बनाएगा, कॉन्फिडेंट बनाएगा, मैं चीजें अपने तरीके से अपने हिसाब से करना पसंद करूंगी, आई विल बी टेकिंग माई ओन डिसीजन, मुझे डर नहीं लगेगा। बट अगर यही बहुत एक्सेस में 1 हो जाए, या बहुत या एक भी ना हो मेरे पास, सपोज आई एम 2000 बॉर्न और मेरे पास 1 ही नहीं आता, तब क्या होगा, ऐसे लोग कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, डिसीजन लेने में डरेंगे, वीक डिसीजन मेकर्स कहा जाता है इनको, इन्हें क्या करना, ये अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। हो सकता है दिल से आपको बहुत चाहते हो, आपके लिए बहुत कुछ सोचते हो पॉजिटिवली, बट ये आपको बता नहीं पाएंगे, और जब तक बताएंगे नहीं आप भी समझ नहीं पाएंगे, तो ये मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं कई बार। इनको कहीं ना कहीं आप देखेंगे, जिनके पास 1 मिस होता है ना, थोड़ा बहुत इनके माउथ से स्मेल आती है, तो इन्हें हमेशा या तो माउथ फ्रेशनर्स रखने पड़ते हैं, या इन्हें कुछ स्प्रे करना पड़ता है, या 2 बार ब्रश करना चाहिए, इस तरीके की चीजें इनके संग होती है। अभी आपके संग मिस है, अब आपको करना चाहिए, इनको कहीं ना कहीं बोन से रिलेटेड इश्यूज भी अगर मिस है 1, तो होने लगते हैं जल्दी। नाउ 1 नंबर जो है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, सन को, यानी कि फादर फिगर को रिप्रेजेंट करता है, तो इन्हें हमेशा अपने फादर की अच्छे से टेक केयर करनी चाहिए, फादर का की ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। वरना इस मीन फादर, फादर लाइक फिगर भी वहां पे काउंट होता है, जिसको आप फादर का दर्जा देते हैं, कैन बी योर मेंटर ऑल्सो, आपके गुरु भी हो सकते हैं जिनको आप फादर का दर्जा देते हैं, तो उनसे ब्लेसिंग्स लें, उनकी सेवा करें, उनके लिए कोई ना कोई उन्हें सरप्राइज गिफ्ट दें, जो वो सोच नहीं रहे हों वैसा कुछ उनके संग करें, ऐसा कुछ जैसा आप करेंगे सडनली, तो उनके मन से आपके लिए दुआ निकलेगी। दैट इज वॉट यू नीड, एंड आपका 1 नंबर एक्टिवेट हो जाएगा इजिएस्ट वे। अब आते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर यानी कि 2 नंबर यो रिप्रेजेंट करता है अर्थ एलिमेंट को, साउथ वेस्ट इसकी डायरेक्शन है। अब 2 नंबर के जो लोग होते हैं ना, आप देखेंगे बहुत अच्छे इंट्यूटिव पावर्स इनकी बहुत अच्छी होती है, आप देखेंगे इनके ना आई विल से बहुत अच्छा ये लोग सोचते हैं, सोचने की इनकी कैलकुलेशन की जो काबिलियत है ये बहुत ज्यादा अच्छी है। यहीं पे अगर 2 नंबर अगर नहीं है मेरे पास या एक्सेस में आ रहा है, तो इनके रिलेशनशिप फिर फीमेल एनर्जी स्पेशली मदर, वाइफ, सिस्टर, इनसे कहीं ना कहीं बहुत अच्छे नहीं होते। इनके अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स होंगी उनके संग, अननेसेसरी बैठे बैठे बिना किसी बात के झगड़ा हो जाएगा,
तो इनकी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं, जिस वजह से इनकी टेंडेंसी टूवर्ड्स डिप्रेशन भी बहुत ज्यादा रहती है। इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं क्योंकि इन्हें उस तरीके से प्यार नहीं मिलता जैसा ये एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये इधर उधर बाहर जाने के लिए आप कह सकते हैं कि मैं नहीं कहूंगी कि ये इनके लिए, अगर ये मिस है आपके संग, ये बहुत बार आ रहा है, तब ये चांसेस होंगे आपके लिए। ओके, इसमें सबसे अच्छा इजी रेमेडी जो होती है इसमें रिलेशनशिप अच्छा करने की इज अपनी मदर से, क्योंकि ये माँ को रिप्रेजेंट करता है, तो आपने अपनी मदर से एक चांदी का सिक्का या चांदी का एक स्क्वायर 1 इंच बाय 1 इंच का अपने पास लेके एज अ ब्लेसिंग्स रख लें। जैसे ही आप इसे रखेंगे अपने संग, आप देखेंगे आपके ओवरऑल में भी, आपके थॉट प्रोसेस में भी इसका फर्क पड़ेगा, प्लस एट द सेम टाइम आपके रिलेशनशिप भी अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। और मदर की हमेशा रिस्पेक्ट करें, मदर घर से आप निकल रहे हैं तो मदर के पैर छू के निकलें, टेक ब्लेसिंग्स और हग हग, इफ आप पैर नहीं छूना चाहते आप हग कर लीजिए, किसी भी तरीके से रिस्पेक्ट आपने अपने मदर को देनी है। मदर नहीं है तो मदर लाइक फिगर से कर लीजिए, या आप उनका घर में आशीर्वाद लेकर भी जा सकते हैं। आप इन बाहर रहते हैं, मदर हैं, रोज उनसे बात कर लीजिए। सिंपल सिंपल रेमेडीज है, इसमें आपका कुछ नहीं है, मतलब आपका फायदा ही फायदा है, यू आर नॉट लूज एनीथिंग। ओके, नाउ कमिंग टू नंबर 3। 3 नंबर रिप्रेजेंट करता है वुड एलिमेंट को। 3 नंबर जो है ये ईस्ट को डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, वुड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। 3 नंबर के लोग बहुत अच्छे एडवाइजर्स, काउंसलर्स, एडुकेशन लाइन में होते हैं, इनके लिए ये फील्ड बहुत अच्छी बताई जाती है। गुरु का नंबर है, जुपिटर प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। अब इनके पास अगर ये मिस हो रहा है तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं इनके एडुकेशन से रिलेटेड इनको इश्यूज आएंगे, इनकी एडुकेशन बहुत अच्छी नहीं चलेगी, इनकी एडुकेशन में ब्रेक्स आ जाएंगे, इनको कहीं ना कहीं आप नोटिस करेंगे गुरु से, मतलब अपने मेंटर्स से वो मतलब फीडबैक नहीं मिलता अच्छा, बहुत अच्छे रिलेशन इनके अपने टीचर्स से नहीं होते कभी भी, इनके 3 नंबर मिस होता है या एक्सेस में होता है। तो इनके लिए सबसे इजी रेमेडी है कि ये थर्सडे के दिन येलो कलर को कंज्यूम करें। कैसे कर सकते हैं आप, एक केला खा लीजिए, कुछ पपाया खा लीजिए, इस तरह की कोई भी चीज जो आप इजिली अवेलेबल है येलो कलर की वो खा सकते हैं। फिर आते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर रिप्रेजेंट करता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन को, और 4 नंबर भी वुड एलिमेंट है। 4 नंबर क्या बताता है, वह संचित धन। संचित धन जब मैं कहती हूँ इसका मतलब सेविंग्स, FDs। जिनके पास 4 नंबर होगा आप देखेंगे उनके पास अच्छा खासा सेव पैसा मिलेगा आपको हमेशा, लेकिन जैसे ये मिस हो जाएगा या फिर ये एक्सेस में हो जाएगा, ऐसे लोग सेविंग्स नहीं कर पाते। आप इनके पास जितना पैसा आता है खर्च कर देंगे, आप इनसे बोलिए कि आप मुझे पार्टी दे दीजिए, ये बहुत खुशी खुशी आपको पार्टी दे देंगे, 10,000 20,000 अच्छी सी पार्टी देंगे। लेकिन आप इनसे बोलिए कि मुझे वही 20,000 रुपए आप मुझे कैश में दे दीजिए, तो इनके पास वो नहीं होगा, वहां पर ये गड़बड़ा जाएंगे कि वो आप पैसे तो है नहीं दूं कैसे, लेकिन खर्चा करने पर यह खर्चा पूरा कर देंगे। ओके, सो आप समझेंगे जमा किया हुआ पैसा नहीं होता कभी भी, तो वहां इनकी एक प्रॉब्लम होती है। उसके लिए बहुत इजी रेमेडी होती है कि आप क्या कर सकते हैं, एक मिट्टी का घड़ा ले लीजिए या कोई कटोरी ले लीजिए जो भी इजिली अवेलेबल हो, उसमें अपने ही घर की मिट्टी या फिर आपके पेड़ पौधों से निकाल के ले सकते हैं, अपने जहां रहते हैं वहां की मिट्टी ले सकते हैं, वहां पर लेके एक चांदी का सिक्का उसके अंदर रख के आप अपने नॉर्थ डायरेक्शन में इसको रख देंगे, तब भी आपको उसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, तो आपका पैसा धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो जाएगा। इस तरह से 4 नंबर को हम एक्टिव करते हैं। फिर आते हैं 5 नंबर को, जो मेरा फेवरेट नंबर है, ये मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहती हूँ क्योंकि ये सेंटर का नंबर है, ब्रह्मा का नंबर है। 5 नंबर वैसे तो बुध को रिप्रेजेंट करता है, बुध प्लैनेट यानी कि मरकरी को रिप्रेजेंट करता है, और ये सेंटर का नंबर है और ये हमारे अर्थ एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। अब इसको हमने करना कैसे, अगर 5 नंबर मेरे पास मिस होगा ना तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगी, कहीं बैठ के बात करनी हो तो मैं वहां पर बात नहीं कर पाऊंगी, इनकेस मेरे पास 5 नंबर मिस है। तो आप देखेंगे जो लोग लेडीज होती है ना उनके वो होता है कि जिनका 5 नंबर मिस होगा उनके मिस कैरेज, अबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अदर नंबर्स भी ऑब्वियसली इसमें मैटर करते हैं, बट हाँ अगर सिर्फ 5 नंबर की बात करें तो ये चांसेस होते हैं। और अगर जो जेंट्स होते हैं, मेल होते हैं, उनके लिए आप स्टमक से रिलेटेड इश्यूज भी उन्हें बहुत ज्यादा होते हैं। अब हमें इसको ठीक करना है तो हम करें क्या,
फाइव नंबर को अगर मुझे एक्टिवेट करना है तो आप एक ग्रीन कलर का चार्ट पेपर ले लीजिए, उसे अपने वॉलेट में रख लीजिए, एक छोटा सा पीस काट के, यानी कि अभी पूरा चार्ट पेपर नहीं आएगा, छोटा सा पीस उसमें से काट के अपने पास रख लीजिए। ये नहीं कर सकते तो आप एक हैंकी या ग्रीन कलर का लेके अपने संग रख लीजिए, यूज करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ अपने संग रखना है। घर से निकलिए तो इलायची खा के निकलिए, ये सब करने से आपका पांच नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। अब आते हैं सिक्स नंबर पे। छह नंबर वीनस का नंबर है, लग्जरी का नंबर है और ये साल भी छह का ही चल रहा है। छह नंबर वीनस यानी कि लग्जरी का नंबर है, जिनके पास छह होगा आप देखेंगे वो हमेशा टिप टॉप रहेंगे, कहीं भी आएंगे जाएंगे आप उन्हें कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि जो पहने थे चलो नीचे चलना है, ऐसे ही चले जाते हैं, कभी नहीं होगा। आप हमेशा नीचे भी जाएंगे अपनी बिल्डिंग के तो हमेशा ठीक से प्रॉपरली ड्रेस्ड होके जाएंगे, परफ्यूम लगा के, ब्रांडेड कपड़े पहन के, इन लोगों को ये शौक होता है। जिनके पास छह नंबर नहीं है या एक्सेस में है या उनका छह नंबर एक्टिवेट नहीं है तो आप देखेंगे उन लोगों के पास उन्हें ये शौक भी नहीं होंगे। घर में 10 परफ्यूम पड़ी होगी लेकिन वो लगाते एक भी नहीं होंगे, होता है ना कईयों के संग ऐसा, यही आपको ध्यान दे रहा है। तो अगर आपको छह नंबर को एक्टिवेट करना है तो आप परफ्यूम लगा के रोज नहाने के बाद परफ्यूम लगाए, घर से बाहर जब निकले परफ्यूम लगा के चले। ये नहीं कह रही कि दिन में 10 बार परफ्यूम लगाए, सिर्फ एक बार लगाए तो भी वो एक्टिवेट हो जाता है। ऐसे लोगों को स्किन रिलेटेड इश्यूज बहुत ज्यादा आ सकते हैं अगर उनका छह नंबर मिसिंग है या एक्सेस में है तो। ये मैं बार बार रिपीट इसीलिए कर रही हूँ कि अगर आप मिस ना करते इस चीज को, मिस इंटरप्रेट ना हो जाए, तो स्किन रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, हेयर लॉस हो सकता है, इस सब चीजों को आपने ध्यान रखना है। फिर आते हैं सात नंबर पे। सेवन नंबर जो है वो केतु का नंबर है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे फैमिली सपोर्ट को। जिनके पास ये नहीं नंबर नहीं होता तो उन्हें सपोर्ट की बहुत ज्यादा कमी होती है, उनके फ्रेंड्स रिलेटिव्स कुलीग्स सपोर्ट नहीं करते बल्कि उनकी बैक बाइटिंग ये सब ज्यादा होती है। तो अगर आपने सात नंबर को एक्टिवेट करना है, सेवन नंबर को करना है तो आप क्या करेंगे, सात नंबर वेस्ट का डायरेक्शन है, सात नंबर मेटल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, आप एक चांदी की स्ट्रैप की मेटल स्ट्रैप की वॉच पहनेंगे। जैसे ही आप मेटल स्ट्रैप की वॉच पहनेंगे तो आपका सेवन नंबर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। आप एक चांदी का फोटो फ्रेम भी वेस्ट में लगा सकते हैं, ये दोनों चीजें करने से आपका सेवन नंबर एक्टिवेट होता है और आपका वो प्लैनेट के जितने भी उनकी क्वालिटीज है वो आपको मिनी सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। फिर आते हैं एट नंबर पे। एट नंबर सैटर्न का नंबर है, अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। आठ नंबर जो होता है ना, अगर आपके पास आ रहा है देखेंगे आप किसी से भी अपना काम निकलवा लेंगे। ये नहीं मैं कह रही कि आप बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव या कनिंग होंगे, पर आपको अपना काम निकालना आता होगा, आप किसी से भी अपना काम आराम से निकलवा सकते हैं। जिनके पास ये एक नंबर मिस होता है उनके पास सपोर्ट, उनका काम में डिले, ये सब बहुत कॉमन है और ऐसे लोगों को सक्सेस बहुत लेट मिलता है लाइफ में। आप देखेंगे इनको सक्सेस 35 इयर्स के बाद, 53 इयर्स के बाद, 44 इयर्स के बाद, कई बार तो 62 इयर्स के बाद भी इन्हें सपोर्ट मतलब इनको अपनी लाइफ में सक्सेस मिलता है आठ नंबर के। और इन्हें हमेशा ध्यान रखना है, इनको ना लाइफ में शॉर्टकट्स नहीं ढूंढने हैं, इन्हें हमेशा लाइफ में सीधा चलना है। जितना आप सीधा चलेंगे उतना आपके लिए लाइफ स्मूथ होती जाएगी, अदरवाइज ये लाइफ आपको स्ट्रगल्स के संग थोड़ी सी कोई भी काम होगा डिलेज के संग होगा, अननेसेसरी उसमें डिलेज होंगे, अननेसेसरी स्ट्रगल ज्यादा करनी पड़ेगी आपको। और आठ नंबर को आपने एक्टिवेट कैसे करना है, आठ नंबर के लिए आपने क्लोज जो है सैटरडे को ब्लैक या डार्क ब्लू कलर के पहनने हैं, नहीं पहन सकते काले कलर का रुमाल अपने संग हमेशा रख लीजिए उस दिन स्पेशली ऑन अ सैटरडे। वैसे मैं ब्लैक कलर को जितना ज्यादा हो सके कम यूज करने में बिलीव करती हूँ और अपने क्लाइंट्स को भी वही गाइड करती हूँ, बट इस केस में आप उस ब्लैक कलर के हैंकी को अपने संग ऑन अ सैटरडे रख सकते हैं और कपड़े भी ब्लैक कलर के पहन सकते हैं। फिर आते हैं अपने लास्ट नंबर पे जो है नंबर नाइन, जो प्लैनेट मार्स को रिप्रेजेंट करता है, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है और इस साउथ सबसे इम्पोर्टेंट है कि साउथ हमारा पैसा का को भी बताता है कि साउथ से हमें नेम फेम पैसा कैसे रहेगा। अब आप देखेंगे जो लोग नाइन्थ नंबर के मिस होता है ना या जिनके पास नौ नंबर होता है वो लोग गवर्नमेंट जॉब आर्मी पुलिस इन सब में आपको बहुत एनर्जेटिक लोग मिलेंगे जिनका नौ नंबर एक्टिव है, लेकिन अगर यहीं पर यह मिस हो जाता है
तो फिर प्रॉब्लम क्या आती है, उनकी एनर्जी कम हो जाती है, ये एनर्जिक नहीं रहेंगे, हमेशा लेजी आउट करेंगे। तो इनको करना क्या है, इन्हें सबसे पहले तो याद रखना है कि इन्हें नो अल्कोहल या बहुत ही कम रेयर ओकेजन्स में पीना है, नो नॉन वेज, एंड स्पेशल ट्यूजडे या सैटरडे तो इन्हें बिल्कुल नहीं खाना है। कोशिश करें कम से कम कंज्यूम करें, लेकिन अगर बहुत ही शौक है या आप खाते ही हैं तो ट्यूजडे और सैटरडे को छोड़ के बाकी दिन खाएं। इनको अपने जितने भी मेडल्स, अवार्ड, सर्टिफिकेट्स जो भी मिलते हैं, इन्हें अपने साउथ में लगाने चाहिए। जितना ये अपने साउथ में लगाएंगे उतना ये अपने साउथ को यानी कि अपने 9 नंबर को एक्टिवेट करेंगे, उतना ही ज्यादा इनका नाम फेमस ये होंगे, लोगों में चर्चित होंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस, कमेंट्स कुछ हो, कोई अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। आई बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। रेस्ट एवरीबडी, टेक स्टे सेफ एंड टेक केयर। थैंक यू।